नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप सभी दर्शकों को ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे ग्रीन लाइन न्यूज। अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया मुखिया का विरोध, संवाददाता अशर की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संध्या में ग्रामीणों ने मुखिया नीलम देवी पति बलराम पासवान पे लगाया अनियमितता का आरोप। वहीं पर ग्रामीणों ने कहा कि पिछले एक माह जलमीनार को लगाया गया है, जिसमें मुखिया पति बलराम पासवान के द्वारा जलमीनार में घटिया सामग्री से कार्य किया गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या से लोग परेशान हैं, जिसमें 3,84,000 से जलमीनार बनाया गया है जो बिल्कुल पानी नहीं देता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस जलमीनार में घटिया किस्म का समरसेबुल एवं नल भी पूरी तरीके से खराब लगाया गया था। एक वर्ष दो से तीन दिन के अंदर ही टूटकर बिखर गया। ग्रामीणों ने मुखिया पति बलराम पासवान से इसकी शिकायत किया, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुआ। घटिया सामग्री से कार्य एवं अनियमितता का आरोप प्रखंड विकास पदाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा कि इस जलमीनार को विधिवत तरीके से जांच कर मुखिया पति बलराम पासवान पर कानूनी कार्रवाई की जाए एवं जलमीनार को दुरुस्त की जाए। मौके पर फूलदास साव, चुटुर साव, उपेंद्र सोनी, कृष्ण शर्मा, शंभू सोनी, दीना शाह, रमाकांत शर्मा, सत्येंद्र सोनी, सोनू सोनी, रामजन्म साव, कमलेश शर्मा सहित बहुत से ग्रामीण उपस्थित थे। क्या नाम है? चुटुर साहब। चुटुर साहब, ये कौन सा जगह है, एड्रेस वो इसका बताइए। संध्या। संध्या कुनाली बिशुनपुरा प्रखंड में। हाँ। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत है कि मोटर नहीं पानी दे रहा है। मोटर पानी नहीं दे रहा है? नहीं। कितना दिन से बैठा तो यार एक दो दिन अभी किया है, और बाद अभी नहीं किया है। कितना दिन हो गया बने हुए? कितना हो गया? हाँ, लागत रही तहिया टूटी टूटी चूड़ा जब लग रहा था उसी समय थोड़ा पानी दे रहा था। अच्छा, उसी समय थोड़ा पानी दे रहा था। जो फर्श बनाया ना, शाम को बनाया, सुबह खत्म। हम ऑटोमेटिक बैठ गई। हम लोग जो फर्श बनाया शाम को बनाया, सुबह में खत्म हो गई। सुबह में खत्म, ऑटोमेटिक टूट गई, धस गया माटी के, धस गया माटी के, तुरंत कहीं नहीं रहता। ये नल भी पूरा खत्म है? नल भी पूरा खत्म है, पानी तो आ ही नहीं रहा है। ये देखिए पूरा अथी चालू भी है, मोटर भी चालू है, ये भी चालू है, पानी नहीं दे रहा है। पानी नहीं दे रहा है। तो मोटर जिस समय लगा रहे थे तो उस समय आप लोग कुछ बोल? नहीं, हम लोग बोल रहे थे कि अभी नया है, अभी ऐसा देगा, मोजा बांधे हैं, फिर बाद में ज़्यादा पानी देगा। लेकिन अब तो पूरा बंद हो गया। पूरा बंद हो गया। कौन आप लोग मुखिया हैं? बलराम नहीं, नीलम देवी। नीलम देवी, नीलम देवी, उनका पति का नाम बलराम पासवान। बलराम पासवान। एक महीना हो रहा है इसको बने हुए ना? हाँ, एक डेढ़ महीना हो रहा है। और थोड़ा बहुत चलता भी है तो फिर 12 बजे के बाद फिर बंद हो जाता है। 12 बजे के बाद बंद हो जाता है? हाँ, 12 का बहुत सारा कब नहीं है बराबर। कभी कभी चलता है तो फिर 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये में उचित जांच करके ही और समस्या के हल के, यार पानी के बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत के समस्या है। जब आज जितना फर्श है वो सब बस टूट फूट गया। इसमें बहुत सा कमी है, मोटर सिस्टम सब लोग भी गड़बड़ी है, पानी भी नहीं दे रहा है। इसमें ऐसा देखा जाए जब कानूनी कार्रवाई करके ही जो काम करा है उसको फैसला किया जाए, कानून में डाला जाए, उचित कानून फैसला हो। तो बनने के बाद पानी कितने दिन तक दिया था? दो तीन दिन पानी दिया है। तीन दिन के बाद इनमें पानी देवे नहीं किया। इसमें अधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी से यही कहना चाहते हैं जो हमारा समस्या का हल किया जाए और इसमें जो कमी है सो जांच किया जाए। और जिसमें कमी है उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। जिसको कमी है उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए।